बड़ा ही दुखद समाचार आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि इनकाउंटर पिछले 3 दिन से चल रहा है पुंछ के अंदर। देर रात भी हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि कुछ जवान जो है वो उनकी शहादत हुई है, जिनकी तादाद करीब 2 से 3 बताई जा रही थी। लेकिन अभी का जो बड़ा अपडेट सामने आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब तक कुल 5 जवानों की जो है वो शहादत हुई है। आपको बता दें तो ये इनकाउंटर जो है वो बफलियाज और थाना मंडी के बीच के जंगलों में हुआ है, जहां परसों रात कुछ इनपुट मिले सिक्योरिटी फोर्सेस को और उसके बाद सर्च ऑपरेशन उस पूरे इलाके में लॉन्च किया गया और कार्डन ऑफ किया गया ताकि पता चलाया जा सके कि ये आतंकी यहां कहां पर छुपे हैं। लेकिन वहीं जब कल दिन 3:45 के आसपास 2 आर्मी गाड़ियां उन जंगलों के बीच से फिर वहां जा रही थी उस और ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, तब एम्बुश लगाकर यानी कि घात लगाकर ये मिलिटेंट्स वहां जंगलों में छुपे बैठे थे और इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में कुल 6 जवान जो हैं वो जख्मी हुए। और देर रात तक जो ये खबर आई थी कि 3 जवानों की तब शहादत हुई थी, और अब का जो ताज़ा अपडेट अभी तक का सामने आया इसमें 2 का और इजाफा हुआ, यानी कुल मिलाकर के 5 जवानों की जो है वो शहादत हुई है। और उसके चलते देर रात ही अब तक भी ये खबर पहुंचाई गई थी कि जो मुगल रोड को कनेक्ट करती है वहां से, क्योंकि लोग का सफ़र जो है वो बड़ा आसान रहता है कश्मीर जाने के लिए, उस रोड को भी बंद कर दिया गया था, उसका वहां पर भी किसी भी गाड़ी को जो जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके अलावा पूरे इलाके के अंदर जो है गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, कौन कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। चूँकि अगर हम बात करें इस खित्ता पीर पंचाल की, पिछले कई वक्त से लेकर के यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो बड़े उरूज पे अब दिखाई दे रही है, यानी ज़्यादा केसेस, ज़्यादा एक्टिव मिलिटेंसी जो वो इधर ही नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले जो आरआर स्वैन नए डीजीपी कश्मीर नए डीजीपी बने हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि मिलिटेंटों ने जो है वो घाटी को छोड़ दिया है और जंगलों की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है, जो शायद इन्हीं पुंछ राजौरी के इन घने जंगलों में इस वक्त छुपे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये भी कहा है कि ये ज़्यादा वक्त नहीं चलेगा, हम भी ज़्यादा वक्त इनको नहीं देंगे और ये दौर भी जो है वो ज़्यादा नहीं चलेगा कि जब तक न इन लोगों को ख़त्म किया जाएगा। और वहीं जब इस गाड़ी को निशाना बनाया गया, क्योंकि गाड़ी भी वहाँ पर जा रही थी और उसके बीच जो ये बताया जा रहा है काफ़ी घना जंगल है, आसपास कोई आबादी नहीं है, और वहाँ पर इनको जो है अटैक किया गया है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि जब ये हमला हुआ और हमला होने के बाद शायद आर्मी जवानों के हथियारों को भी वो मिलिटेंट जो है वो लेकर के वहाँ से भाग गए हैं और फरार हुए हैं। अब उसके बाद इस पूरे इलाके को परसों से ही पूरी तहवील में लिया गया है, मुहासरे में लिया गया है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो है वो तलाशी अभियान जारी है। और देर रात कई पॉलिटिकल जो सियासी नेता हैं उनकी तरफ से ट्वीट भी आए हैं, उनने कंडम इस चीज़ को किया है और कहीं ना कहीं उसी पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का भी निशाना साधा है, जिसकी तरफ से हमेशा ये नापाक हरकतें जो हैं वो की जाती है। और वहीं सरहदी ज़िला जो ये पुंछ है इसकी अगर हम बात करें तो पिछले 1 या 1.5 साल या 2 साल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर जो है इसी सरहद में जो है वो नज़र आ रहे हैं, और ख़ासकर 20 साल बाद अब जो है इस खित्ता पीर पंचाल में ये मिलिटेंसी का जो है उरूज बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या कुछ मज़ीद डेवलपमेंट इस हवाले से आएगी, इस इनकाउंटर के हवाले से, क्या जो 5 जवान हमारे अभी तक शहीद हुए हैं और जो बाकी लोग जो बाकी जवान ज़ख्मी है, पूरा हिंदुस्तान या पूरा लोग जो है इस वक्त उनके लिए दुआएँ कर रहे हैं ताकि उनकी सेहत जो है वो जल्दी ठीक हो, और कहीं ना कहीं बाकी लोग जो उस इलाके के रहने वाले हैं वो भी इस वक्त वहाँ दहशत का माहौल है, वो भी डरे हुए हैं। क्योंकि कई वक्त से आप जब देखें तो जब डांगरी हुआ था, डांगरी पिछले साल 1 जनवरी 2023, आप यूँ समझ लीजिए कि ये साल 2023 का साल पुंछ राजौरी के लिए ठीक नहीं आया, बहुत बड़े बड़े हादसे हुए। इससे पहले भी दरहाल के मकाम पर भी एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो आर्मी गाड़ी के ऊपर हुआ था, जहाँ आग भी लग गई थी और उसके बाद आग में झुलस गए थे हमारे कुछ जवान, वो खबर भी आप तक पहुँचा है। किस कदर दिल दहलाने वाले ये वाकयात जो हैं वो सामने आए हैं, खासकर इसी ज़िला पुंछ और राजौरी के बीच का ये मामला है। अभी तक का ताज़ा अपडेट यही था। एक बार जो हमारे साथ व्यूअर अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि फिर से हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, कि जो पुंछ एनकाउंटर चल रहा है उसमें अभी तक ताज़ा अपडेट ये है कि 5 जवानों की और शहादत हुई है और ज़ख्मी हैं, उनका इलाज जो है वो अस्पताल के अंदर चल रहा है। क्या कुछ मज़ीद तफ़सीलात आएंगी इस हवाले से वो भी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।